रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, लॉकडाउन लगने की आशंका। बता दें कि दुनिया भर के लिए तबाही बन चुका कोरोना वायरस दोबारा उत्तर प्रदेश को डराने लगा है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना महामारी ने एक बार फिर नए सिरे से पैर पसारना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह बढ़ने लगा है। डेढ़ माह के बाद रिकॉर्ड 44 कोरोना मरीज राजधानी लखनऊ में पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मद्देनजर सरकार ने फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब पिछले साल की तरह इस बार भी शादी समारोह में केवल 50 लोग व अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा है कि संक्रमण की दूसरी लहर पर तेजी से निर्णायक कदम उठाकर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया और अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पिछले सप्ताह से उत्तर प्रदेश में ही बढ़ते केस को देखते हुए मुख्य सचिव RK तिवारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दूसरे प्रदेशों के आने वाले यात्रियों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए, साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट जरूर हो और लक्षण देखते ही उनका RT-PCR जांच करा लिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उससे आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से भी मुक्ति दिलानी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतना ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। प्रथम TV न्यूज़ इंडिया के लिए नई दिल्ली से राजीव कुमार की रिपोर्ट।